तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार। तो आ चुके को न्यू वीडियो के साथ वापस। आज हम करने वाले हैं गेमिंग स्पीड टेस्ट इन दोनों स्मार्टफोनों का। एक है IQ 12 और दूसरा है OnePlus 12। IQ 12 आता है 53,000 रुपीस का और जो OnePlus 12 है ये आता है 65,000 रुपीस का। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम प्रोसेसर मिलता है Snapdragon 8 Gen 3। स्क्रीन के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी गेम है जो हम आज के टेस्ट में ओपन करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो दोनों स्मार्टफोन है उनको मैंने सिमिलर वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट कर लिया है। दोनों की जो ब्राइटनेस है सिमिलर रहने वाली है। ब्लूटूथ दोनों के अंदर ऑन रहने वाला, लोकेशन भी दोनों के अंदर ऑन है। एंड IQ के अंदर इसका मैं मॉस्टर मोड ऑन करके गेमिंग करने वाला हूं। दोनों की जो रैम है उसको मैंने एकदम क्लियर कर दिया, किसी के अंदर भी कोई भी गेम ओपन नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एंटीटू स्कोर चेक कर लेते हैं दोनों के। 17 लाख OnePlus का स्कोर है और 20 लाख है IQ का। IQ के स्कोर काफी ज्यादा है इससे। अब सबसे पहले गेम चालू करेंगे Genshin Impact। IQ में पहले गेम चालू हो गया है। OnePlus को काफी टाइम लगा भाई स्पॉन करने में। दोनों ग्राफिक्स चेक कर सकते हो, दोनों 60 FPS पे गेम को चला देते हैं। अब करेंगे BGMI। IQ में तो गेम ऑन भी हो गया है, वहीं पे OnePlus में 6 से 7 सेकंड के डिफरेंस के साथ गेम चालू हुआ है Asphalt 9। ये OnePlus ने पहले चालू कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे IQ में चालू हुई है PUBG न्यू स्टेट। IQ 12 में पहले चालू हो गया। इसमें दोनों स्मार्टफोन में 90 FPS अनलॉक है कॉल ऑफ ड्यूटी। OnePlus में पहले चालू हो गया। इसमें दोनों में लो और अल्ट्रा FPS तक का ऑप्शन है। सिमिलर ग्राफिक सेटिंग्स है Subway Surfer। IQ ने पहले चालू कर दिए टेम्पल रन। IQ में स्लाइटली फास्ट था बट मोस्टली दोनों मतलब एक ही टाइम पे आ गया था। लास्ट गेम है Among Us। IQ में पहले हुआ है स्लाइटली। तो अभी तक मोस्टली गेम IQ ने पहले ओपन कर दिया, उसमें से थोड़ी बहुत गेम्स जो है OnePlus ने ओपन करी हैं। अब एक बार दोनों का रैम मैनेजमेंट हम चेक कर लेते हैं Genshin Impact से। दोनों के अंदर रैम में है BGMI, ये भी दोनों के अंदर ऑन है Asphalt 9। OnePlus ने रिफ्रेश करी है लेकिन IQ ने रीस्टार्ट ही कर दिया गेम। PUBG न्यू स्टेट दोनों के अंदर है कॉल ऑफ ड्यूटी, ये भी दोनों के अंदर है Subway Surfer, दोनों में है टेम्पल रन, ये भी दोनों में है Among Us, ये भी दोनों में है। तो दोनों का जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। तो अभी फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द गेम्स जो पहले ओपन करी थी वो करी थी IQ 12 ने, उसमें से एक आध OnePlus ने भी पहले चालू कर दी थी, लेकिन मोस्टली गेम्स IQ 12 ने पहले चालू करी थी। लेकिन वहीं पे OnePlus 12 ने भाई सारी ही गेम रैम के अंदर रखी हुई थी, एक आध बस रिफ्रेश हुई थी। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन जो है ना ये 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है मेरे पास, तो सिमिलर वेरिएंट है दोनों के। उसके बाद मैं आपको ये सारी टेस्टिंग दिखा रहा हूं। तो गेम ओपनिंग के मामले में IQ ऊपर निकल के आता है, रैम मैनेजमेंट के मामले में OnePlus 12 ज्यादा तगड़ा है। एंड भाई इतनी सारी गेम्स हमने जो रैम के अंदर रखी थी ना, कोई भी फोन होता मतलब फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी बहुत सारे गेम्स को रीस्टार्ट कर देता, लाइक बड़ी बड़ी गेम्स है क्योंकि ये, और इतनी सारी गेम्स रख भी नहीं पाते कोई रैम मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन भाई इसका रैम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, सारी गेम्स इसने रैम के अंदर रखी हुई थी, तो मैं इससे इंप्रेस हुआ काफी ज्यादा। लेकिन आज की वीडियो का जो विनर है वो मैं IQ 12 को रख रहा हूं, बिकॉज इसका जो प्राइस है 53,000 रुपीज है और OnePlus से 12,000 रुपए महंगा है। तो भाई 12,000 रुपए सेव करके आप IQ 12 के साथ जा सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों की काफी तगड़ी है, दोनों की वीडियो मैंने चैनल के ऊपर दी हुई है, वो देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, आई सेक्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां पर जाकर चेकआउट कर लेना। अगर आज वाली वीडियो के अंदर मेरे को काफी ज्यादा मजा आया, आपको देखने में मजा आया कि नहीं वो बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, और ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। मैं मिलता हूं जल्दी से आपसे एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।